हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं एक और छोटी सी वीडियो लेकर आपके लिए आ गई हूँ। सर्दियों का मौसम है, इस टाइम आंवला खूब आ रहा है और आंवला जो है विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स होता है। तो विटामिन सी आप सर्दियों में जितना लेते रहेंगे बीमारियों से बचे रहेंगे, सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। तो उससे मार्केट गए थे मैं हारमोनी का, वहाँ पर बड़े अच्छे आंवले मिल रहे थे। तो जी मैं ले आई 250 ग्राम, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ मैं हारमोनी का खाते हैं, रजत नहीं खाता है। तो इसका मैं आज बनाती हूँ बहुत ही जल्दी से तुरंत से बन जाने वाला आंवले का अचार। तो आप भी देखिए मेरे साथ, पसंद आए तो आप भी बना कर ज़रूर देखिएगा। तो जी ये अचार बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई के अंदर बहुत थोड़ा सा पानी ले लिया है, इतना कि बस बर्तन मेरा जो है वो डूब जाए। क्या लगे तो ये आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लिया है। और ये मेरे पास एक ऐसी छलनी है, इसके अंदर मैं ये अपने आंवले सारे रख के ना इनको थोड़ा सा इस कढ़ाई में रख के स्टीम कर लूंगी। और सिर्फ इतना ही स्टीम करूंगी कि ये इतने गलें कि इनकी फांके अलग हो जाएं, ज्यादा नहीं गला। तो कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उस जाली के अंदर आंवला रख दिया है और अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि स्टीम इसके अंदर अच्छे से बन जाए और ये हमारे आंवले जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारा आंवला जो है वो स्टीम हो रहा है तब तक हम इसके लिए निकाल लेते हैं मसाले। ये थोड़ा सा मैंने मेथी और सौंफ को इकट्ठा मिला के रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। तो मैं ये ले रही हूँ 2 चम्मच। और सौंफ थोड़ी ज़्यादा रखूँगी क्योंकि सौंफ का फ्लेवर अच्छा आता है, कोई भी अचार अचार आप डालें ना। तो ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब अलग से भी सौंफ ले ली है। कलौंजी मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि कलौंजी को जो है हम पीसते नहीं हैं, पीसने से थोड़ा कसैलापन आ जाता है। तो मैं 1/2 चम्मच के करीब कलौंजी अलग से रख लूँगी ये। तो बस इन दोनों चीज़ों को हल्का सा हम दरदरा होने तक ग्राइंडर में पीस लेंगे थोड़ा सा। आजकल सर्दी का मौसम है, मसाले थोड़े ठंडे ठंडे सीले से रहते हैं। तो मेरे पास ना तड़के की बहुत छोटी सी कटोरी है मसाला, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है थोड़े से अचार का, इसलिए मैं इसको ना इस कटोरी के अंदर डाल के और थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ जिससे कि ये थोड़ा करारा हो जाएगा और आसानी से पिस जाएगा। तो ये मसाले को ना मैंने हल्का हल्का सा भून लिया, इसको सिर्फ इतनी देर गर्म करना है हमने कि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसमें हल्की खुशबू आने शुरू हो जाए। तो ये मैंने भून लिया इसको, अब मैं ग्राइंडर में डाल के थोड़ा इसको दरदरा सा पीस लूँगी। और मेरा गरम मसाला भी हो रहा है ख़त्म, तो मैंने वो भी सामान निकाल के तैयार करके रखा हुआ है। अपना गरम मसाला मैं घर का बनाती हूँ, देखिए इसमें क्या क्या डालती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा और ये जायफल है। जायफल को तोड़ देते हैं हम, ऐसे बड़े आसानी से टूट जाता है ये जायफल है। और इसको हम ये चक्री फूल या इसको आइनी स्टार बोलते हैं, ये है। और इसमें जावित्री है, इसमें छोटी इलायची है, इसमें बड़ी इलायची है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम इसको पीस लेते हैं और हमारा बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला बनके तैयार होता है। बाज़ार वाले गरम मसाले में क्या है कि वो बाकी चीज़ें तो कम डालते हैं, जीरा ही जीरा भर देते हैं जिससे क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो तीखापन नहीं आता। तो साथ ही साथ अचार में डालने के लिए सूखे मसाले भी मैं निकाल लेती हूँ। इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, आंवला क्योंकि थोड़ा ही है तो बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी लाल मिर्च। और साथ में 1/2 चम्मच डालूंगी इसमें हल्दी और 1 चम्मच लेवल में बहुत ज़्यादा हीप्ड नहीं, लेवल में 1 चम्मच नमक। और इसमें मैं क्योंकि डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, 1/2 चम्मच के करीब इसमें डालूंगी काला नमक। और मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा, इसलिए मैंने उन मसालों के साथ जीरा नहीं डाला क्योंकि मुझे भुना हुआ जीरा डालना था। तो ये मैंने 1/4 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा ले लिया है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च जिसे कहते हैं, इसका रंग इसको डालने से ना किसी भी चीज़ का बड़ा ही अच्छा आता है। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब ये देगी मिर्च डाल दूँगी। तो ये सूखे मसाले हमारे हो गए रेडी।
और आगे का काम करते हैं। तो ये मसाला मैंने जो था सौंफ और मेथी, इनको हल्का सा दरदरा होने तक इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। अब मैं ये कलौंजी भी इसी में मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी हींग। ये हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जी देखते हैं, आंवला भी हमारा जो है वो अच्छे तरीके से स्टीम होके ना गल गया है। अब मैंने कहा था ना इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इतना ही करना है कि दबाने से इसकी फांकें अलग हो जाएं। तो ये देखिए, ये दबाने से ये ऐसे खुल रहा है और इसकी फांकें जो हैं बिल्कुल परफेक्टली, ये देखिए, बड़े आराम से निकल के आ जाएंगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सारी फांकों को अलग करके और पंखे में सुखा दें। तो बस ये आंवले की फांकें सारी मैं अलग करके इनको थोड़ी देर के लिए, अगर धूप है तो बहुत अच्छी बात है, इसको धूप में सुखा दीजिए, और अगर धूप नहीं है तो आप इसको पंखे में सुखा दीजिए। बस इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा थोड़ा मॉइस्चर है वो सूख जाना चाहिए ताकि अचार हमारा जो है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। ये कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला था, इसको देखिए धुआं निकल गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इतनी देर तक मैंने पका लिया है ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाए और अचार बनाने के लिए हो जाए बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तेल को हमें तब तक पका लेना चाहिए जब तक इसमें से धुआं ना उठने लगे। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी क्योंकि अभी बहुत तेज़ है, अभी मैंने इसमें कुछ भी डाला ना तो वो जल जाएगा। इसको बंद कर देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसमें डालूंगी मैं सामान। इसी बीच में देख लीजिए, ये आंवला जो है मैंने 2-3 घंटे के लिए धूप में इसे रख दिया था, ये बिल्कुल सूख गया है अच्छे तरीके से। जितना भी मॉइस्चर इसके ऊपर था ना जो स्टीम करने के बाद आया था, ये सब बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसे एक बार मैं थोड़े गर्म तेल में डाल के निकाल लूंगी तो जो और थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा होगा ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अचार खराब होने की जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो सब खत्म हो जाएगी। इस टाइम ये आंवला बिल्कुल परफेक्टली सूख चुका है हमारा अचार बनाने के लिए। तो ये तेल ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो ये सारा आंवला जो है इसके अंदर डाल दूंगी और अब गैस को वापस कर दूंगी ऑन और बस थोड़ा सा इसको गरम तेल के अंदर हल्का सा पका लूंगी ताकि जो थोड़ा बहुत और मॉइस्चर इसके अंदर हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखिए, ये लगभग 1-1.5 मिनट मुझे हुआ है ये आंवला इसके अंदर डाल के और ये बस हो गया है हमारा रेडी। इसको मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से। वैसे तो अगर आप इसको ये वाला स्टेप ना भी करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना ख़राब होने की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है क्योंकि स्टीम किया है इसके अंदर तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो रहता ही है ना, आप कितना भी कर लें आप फिर भी रहता है, और मॉइस्चर जहाँ रहेगा तो फिर अचार ख़राब होने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं। तो ये सब करने से ना वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अभी तेल हमारा गर्म है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये सूखे मसाले जो हमने सौंफ वगैरह निकाल के करके रखी थी ना वो डाल देंगे इसके अंदर। बस जैसे ये हमारा थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसके अंदर अपने दूसरे मसाले, मिर्ची वगैरह, बाकी सब सामान डाल देंगे। तो ये हो गया है, इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और ये अच्छे तरीके से पक गया है। बस इसके अंदर हम ये मिर्ची वगैरह डाल देंगे और इसको भी पका लेंगे। और अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे अपना वो आंवला। ये लीजिए, हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको होने दूंगी ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे बॉटल में भर के रख दूंगी। हो गया हमारा आंवले का अचार रेडी। देखा बनाना कितना आसान था। तो देखा आपने दोस्तों कि ये आंवले का अचार बनाना कितना आसान था। जितने भी अचार होते हैं बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस थोड़ी सी प्रिपरेशन आप पहले से करके रख लें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने के लिए।
आप चाहे ना तो इसके अंदर, मैं कई बार इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, फिलहाल मेरे पास वो मोटी वाली मिर्च थी नहीं इसलिए मैंने डाली नहीं है इसमें, मैं बाद में भी लाके इसके अंदर काट के डाल दूंगी ना तो वो इसके साथ गल जाएगी धीरे धीरे। ये जो अचार बना है ये बिल्कुल इंस्टेंट है, क्योंकि स्टीम करने से आंवला हमारा ऑलरेडी थोड़ा गल गया था और कुछ हमने ये जो इसको तेल में करके निकाला तो और गल गया, तो ये बिल्कुल तैयार है अचार खाने के लिए। बस आप इसे ठंडा कर लीजिए और एंजॉय कीजिए पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। और आंवला जो है वो गुणों की खान है, सर्दियों में तो लाजवाब है, आंवला ज़रूर खाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं, घर में इम्यूनिटी बूस्टर होता है आंवला में, बहुत विटामिन सी पाया जाता है। और आंवले की बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ मैं, चटनी बनाती हूँ इसकी, खट्टी मीठी बहुत टेस्टी बनती है, और इसका मुरब्बा भी मैं बनाऊंगी थोड़े अलग तरीके से, उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो जी उसको एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही छोटी मोटी वीडियोज़ लेकर मैं आगे भी आती रहूंगी, तो अगली वीडियो तक के लिए रेखा सिंह का बाय बाय।